नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस से बचने होटल के बाथरूम में खुद को आरोपी ने किया कैद। मंडला और जबलपुर की पुलिस नहीं तोड़ पाई एक बाथरूम का दरवाजा। 5 घंटे बाद आरोपी ने मीडिया के सामने खोला बाथरूम का दरवाजा। आरोपी मोहम्मद एजाज ने खुद को पुलिस के सामने बताया प्रॉपर्टी डीलर के साथ IAS ऑफिसर। मंडला जिले का रहने वाला है मोहम्मद एजाज। मंडला पुलिस वारंट के साथ एजाज को पकड़ने पहुंची थी अंकित होटल जबलपुर के थाना सिविल लाइन के अंकित होटल का मामला। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरे तो 10 लाख रुपए थे और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं और मैं IAS भी हूं, ठीक है। खुफिया एजेंसी में क्या हूं मैं, वो तो बाथरूम में मैं इसलिए बंद हुआ कि मैं जो है कल 10 लाख रुपए लेकर इनके यहां आया था इसी होटल में ठहरने के लिए, क्यों मुझे एक सौदा खरीदना था, ठीक है। अब जो है उसे एक लड़का है बिहार का, उसने मेरे पैसे देख लिए और उसने जो है रात में मुझे कहा कि लड़की दूँ तुम्हें। मैंने उससे कहा नहीं, मुझे लड़की लड़की जो पैसों के लालच में। फिर क्या हुआ, फिर मेरे साला को इसने पटाया और पटाने के बाद जो है मेरे पैसे भी गायब हो गए। साले ने जो है मुझ पर पागल होने का जो है मुकदमा दायर किया। अरे बैठो ना यार, तुम भी यार। मैं मंडला, मेरा ससुराल है तिंदनी, ससुराल वाले भी जो है हमारे खिलाफ जो है इनके साथ मिल गए हैं और पैसे वैसे जो है दिया है। उसको पहले बिठाइए भाई। देखो आप लोगों के हाथ में मेरी जिंदगी है, अगर मुझे कुछ आता है तो ये होटल वाले इसके जिम्मेदार हैं। ये होटल भैया उसको पहले लीजिए, वो सबसे बड़ा जानी। मंडला का वारंटी था जो यहाँ पे होटल में बंद हो गया था, जिसको जिसको हुकूमत अमले से निकाला गया है होटल से बाहर। अब मंडला पुलिस उसको ले जा रही है। हाँ, वो डर के मारे है, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो छुप गया था। किस मामले में आया हुआ था ये? अब ये उनके पास वारंट है मंडला वालों के पास, तो अभी ले गए हैं थाने, तो फिर बात करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।